आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, बाकी देशों की बात करते हैं तो उस पर भी आईना दिखाना जरूरी है। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो, मतलब कर्ज और जीडीपी का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, वो 84% पर है इस समय। और हमारे तरह की जो इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं या प्रगतिशील डेवलपिंग इकोनॉमीज जिनको कहते हैं, उनका औसतन ये रेशियो 64.5% पे है। हमारा 84% पर है, उनका 64.5% पे है, 64.5% पर। एक समस्या और भी है, जब आपका ऋण 155 लाख करोड़ हो जाता है तो उस पर आपको ब्याज भी चुकाना पड़ता है। हर साल 11 लाख करोड़ तो सिर्फ ब्याज चुकाने में, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट में दिया जा रहा है 11 लाख करोड़। उससे कितने आईआईटीज, कितने एम्स बन सकते हैं, कितने लोगों का इलाज हो सकता है, कितने बच्चे कुपोषित होने से बच सकते हैं, कितनी मिड डे स्कीम्स चल सकती हैं, इसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। 11 लाख करोड़ सिर्फ इस डेट की सर्विसिंग में, जिसको इंटरेस्ट पेमेंट कहते होता है। लेकिन एक बहुत भयावह चीज हो रही है, सीएजी की रिपोर्ट, यह हमारी रिपोर्ट नहीं है, यह सीएजी की रिपोर्ट है। और सीएजी की रिपोर्ट यह साफ तौर से कहती है कि 2020 में ही हमारी जो ऋण स्थिरता थी, जिसको डेट स्टेबिलिटी कहते हैं, वो नेगेटिव में जा चुकी थी। और तब डेट टू जीडीपी रेशियो, तब ऋण और जीडीपी का अनुपात मात्र 52% था, अब वो 84% है। तो हमारी डेट रीपेमेंट की, कर्जे को पाटने की क्षमता पर भी सवाल उठाया जा रहा है। यह भयावह स्थिति हो रही है।